आवास पहुंचे जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर भी पीएम आवास पहुंचे हैं, जीतन राम मांझी भी पीएम आवास पहुंचे हैं, अर्श मेहरोत्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भागीरथ चौधरी भी पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। नए मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा होगी, तो ये बड़ी खबर अपने आवास से यहां पर निकल चुके हैं। पीएम ने शपथ लेने वाले सांसदों को आज बुलाया है, पीएम आवास पर नए सांसदों को चाय पर बुलाया गया है। पीएम आवास पहुंचे हैं अमित शाह, जेपी नड्डा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो तमाम नेता, चिराग पासवान पहुंचे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भागीरथ चौधरी, पंकज चौधरी, अन्नपूर्णा देवी पीएम आवास पहुंची हैं, ये बड़ी जानकारी। मनोहर लाल खट्टर पीएम आवास पहुंचे हैं, शिवराज सिंह चौहान पीएम आवास पहुंचे हैं, ये बड़ी जानकारी। जितिन प्रसाद पीएम आवास पहुंचे हैं, पीएम आवास के लिए रवाना हुए हैं चिराग पासवान, वो भी पहुंचे हैं। तो शपथ से पहले सांसदों से मुलाकात का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। अपने आवास पर सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी, थोड़ी देर में सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी। और ये तस्वीरें चिराग पासवान की आप देख रहे हैं इस वक्त। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या अपडेट है बैठक को लेके? चाय पर चर्चा हो रही है और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देखिए, जाहिर तौर पर तमाम जो नेता हैं उनका प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि ये बताया गया था कि 12 बजे तक तमाम नेताओं को प्रधानमंत्री आवास पहुंचना है, तो उनका अब धीरे धीरे यहां प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना शुरू हो गया है। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जितिन प्रसाद को यहां प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं, उनके अलावा बीएल वर्मा और पंकज चौधरी जो पिछले कार्यकाल में भी मंत्री थे उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो वो भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो अनुप्रिया पटेल भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुकी हैं, उससे थोड़ी देर पहले उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। इसके साथ साथ अगर अन्य नेताओं की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, एचडी कुमार स्वामी, चिराग पासवान समेत जो तमाम जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचना शुरू हो गया है। लगातार आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो एक तमाम काफिला है मेरे पीछे प्रधानमंत्री आवास है, ये सब काफिला जो है जो यहाँ प्रधानमंत्री आवास पर जो नेता पहुंचे हुए हैं उनका काफिला आवास के बाहर खड़ा हुआ है। तो तमाम जो नेता हैं वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री आवास पहुंचना शुरू हो गए हैं। दिल्ली से अगर बात करें तो हर्ष मल्होत्रा यहां पहुंचे हुए हैं, उनके अलावा रवनीत बिट्टू यहां पहुंचे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राव इंद्रजीत सिंह, चिराग पासवान, उनके साथ साथ एचडी कुमार स्वामी, हरदीप पुरी, ये तमाम जो नेता हैं वो यहां प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री आवास पर तमाम जो सांसद हैं उनके साथ यहां बैठक शुरू होगी और जो सांसद यहां मौजूद रहेंगे वो ऐसा माना जाता है कि वो शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंत्रिमंडल की शपथ लेने जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम नेताओं का यहां पहुंचना शुरू हो गया है और अब से बस थोड़ी देर का इंतजार है, तकरीबन 12 बजे वो प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री के साथ इन तमाम नेताओं की चाय पर चर्चा शुरू हो जाएगी। पवन, लेकिन कुछ संख्या पता लग पा रही है कितने और मंत्री शपथ लेंगे, कितनी संख्या हो सकती है, कुछ जानकारी यहां पर मिल पा रही है? देखिए, अगर संख्या की बात करें तो तकरीबन 60 के आसपास कुल मंत्रियों की वो संख्या है जो हो सकती है। आपने पिछले कार्यकाल में भी देखा कि पहले जब कैबिनेट का जब गठन हुआ था तो 60 के आसपास मंत्री रखे गए थे, उसके बाद में विस्तार हुआ, कुछ और नए मंत्रियों को शामिल किया गया था, लेकिन फिलहाल अभी खबर यही है कि 60 के आसपास मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या हो सकती है। तो तमाम नेताओं का यहां पहुंचना लगातार जारी है। 12 बजे प्रधानमंत्री अपने जो नए बनने वाले मंत्री हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे और उनको बताएंगे कि उनको किस तरह से क्या जिम्मेदारी दी जाने वाली है, किस तरह से उनको काम करना है। चूंकि लगातार आपने देखा प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है वो काम पर होती है, मेहनत पर होती है, गुड गवर्नेंस पर होती है, और वो तभी हो पाती है जब आपका पूरा फोकस जो है वो अपने काम पर रहे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री तमाम जो नए बनने वाले मंत्री हैं उनको उनके साथ चर्चा कर उनको बताएंगे कि उनको किस तरह से यहां काम करना है। तो क्या माना जाए, जो पुरानी सरकार जो 2019 से 24 के बीच की जो मोदी पार्ट 2 था उसमें जिन जिन लोगों के पास जो पोर्टफोलियोज थे, क्या इस बार एक व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है?
देखिए संभवतः क्योंकि इस समय जो गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनको उनके आधार पर ही सरकार बनी है। पहले बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी लेकिन इस बार गठबंधन के साथ सरकार बना रही है, तो ऐसे में बहुत सारे जो कैबिनेट के जो पोर्टफोलियो हैं वो गठबंधन के सहयोगियों को जाएंगे। चाहे जेडीएस की बात करें या बात करें जेडीयू की बात करें एलजेपी की बात करें या उसके अलावा टीडीपी की बात करें, तो ऐसे में बहुत सारे दल ऐसे हैं जो कैबिनेट पोर्टफोलियो है जो गठबंधन के सहयोगियों के पास जाएगा। तो जाहिर है कि जो कुछ कैबिनेट मंत्रालय जो बीजेपी के पास थे उनमें परिवर्तन होगा, तो ऐसे में अब तमाम जो नेता हैं वो यहां पहुंच रहे हैं, तो संभवतः बहुत बड़ा परिवर्तन जो उस समय मंत्री थे पिछले कार्यकाल में उनके विभागों में भी किया जाना तय है। तो पवन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू या तमाम जो और सहयोगी दल हैं, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल का नाम चर्चा में है, जिस तरीके से जयंत चौधरी का नाम चर्चा में है, इनको भी महती और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। देखिए जाहिर तौर पर जिस तरह से अनुप्रिया पटेल जो है वो पिछले कार्यकाल में भी राज्यमंत्री थी, तो संभवतः उनको इस कार्यकाल में भी राज्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि वो अकेली सांसद अपनी पार्टी से जीत के आई है। दो सीटों पर अपना दल एस ने चुनाव लड़ा था लेकिन इस बार सिर्फ वो एक ही सीट जीत पाई है। उनकी जो दूसरी सीट थी रॉबर्ट्सगंज, वहां से उनका जो रिंकी कोल थी वो हार गई है। लेकिन जयंत चौधरी की जो पार्टी है आरएलडी, वो दोनों ही सीटों पर चुनाव जीत के आई है, बागपत और बिजनौर। तो ऐसे में जयंत चौधरी अब पहले से राज्यसभा सांसद हैं, तो ऐसे में संभवतः जयंत चौधरी को या तो कैबिनेट मंत्री या राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। ऐसी कई सारी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो दो सहयोगी दल हैं जिनके दोनों के सदस्य जीत कर आए हैं, अपना दल एस और आरएलडी, उन दोनों के कोटे से मंत्री बनाए जाना तय है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो अनिल बलूनी का नाम, त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम, कई नाम लगातार चर्चाओं में घूम रहे हैं। उत्तराखंड से भी क्या किसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि पिछले कार्यकाल में अजय भट्ट जो थे वो उत्तराखंड से मंत्रिमंडल में शामिल थे, इस बार भी किसी को जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी क्योंकि राज्यों का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो ऐसे में खबर ये आ रही है कि अजय टमटा जो है वो जो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री थे, इस बार संभवतः उनको जगह दी जा सकती है। तो तमाम तरह के नामों पर कयास लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर के बाद में अब तमाम लोग प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच जाएंगे, तो तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से चाय पर चर्चा हो रही है, क्या जो 100 दिनों का एजेंडा है, 100 दिनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टास्क है, क्या आज उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री तमाम सांसदों के सामने या होने वाले मंत्रियों के सामने अपने विजन को रख सकते हैं? देखिए इस बैठक में 100 दिन के टास्क को लेकर चर्चा तो नहीं होगी, क्योंकि वो जो है मंत्रिमंडल गठन के बाद जब मंत्री परिषद की जो बैठक बुलाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जब प्रधानमंत्री बैठक बुलाएंगे, तो उसमें अपने टास्क को लेकर चर्चा होती है और किस तरह से 100 दिन का जो टारगेट दिया है उसको पूरा करने पर लक्ष्य पर चर्चा होती है। इस बैठक में जो है प्रधानमंत्री तमाम जो पुराने मंत्री थे जो इस बार फिर से मंत्री बन रहे हैं वो शामिल होते हैं, उनके साथ साथ जो कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं उनके साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं और उनको बताते हैं कि उनको किस तरह से नए मंत्रिमंडल में काम करना है, उनको क्या जिम्मेदारी दी जा रही है, जिम्मेदारी के साथ साथ उनको किस तरह से उस विभाग में काम करना है, किस तरह से पुराने अनुभवी जो लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करना है। तो ये तमाम बातों पर चर्चा होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि जैसे ही कोई भी नया मंत्री भी अगर मंत्रिमंडल में शामिल हो तो वो आने के साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री काम करते हैं उसी हिसाब से लगातार डेडिकेशन के साथ काम करे, लगातार मेहनत के साथ काम करे और जो जिम्मेदारी उनको सौंपी जाए, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंपी जाए उस जिम्मेदारी को पूरा करें। तो आज की बैठक में उनको उसी हिसाब से जानकारी लगातार प्रधानमंत्री अपने अनुभव के आधार पर शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर, जाहिर तौर पर यह देखना होगा कि इनका एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है, क्योंकि दोनों अपने अपने राज्यों के कद्दावर नेता हैं और जाहिर तौर पर इनको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहां पर मोदी पार्ट 3 में मिलने की जा रही है, ऐसा कहा जा सकता है। देखिए जाहिर तौर पर जब इनको वहां से शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था चुनाव के बाद में और मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, तो ये बात उसी दिन तय हो गई थी कि इनका केंद्र में आना तय है। भूमिका क्या रहेगी, किस तरह से कामकाज रहेगा, वो उस पर चर्चा थी, उस पर कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि लेकिन आज
जब उनको यहाँ जब प्रधानमंत्री आवास बुलाया गया है तो एक बात तय हो गई है कि उनको भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर भी पहुंच चुके हैं और दोनों को ही मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। संभवतः चूंकि मुख्यमंत्री रहे दोनों पूर्व, बड़े वरिष्ठ नेता है, बड़ा लंबा अनुभव है, तो ऐसे में ये लगातार माना जा रहा है कि दोनों को ही कैबिनेट में जगह मिलेगी और बहुत महत्वपूर्ण विभाग जो है वो दिए जाने हैं। तो ऐसे में दोनों ही नेता जो है वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो मंत्रिमंडल है उसमें जगह मिलने वाली है। चिराग पासवान की अगर बात करें या फिर जितिन प्रसाद की बात करें, क्योंकि जाहिर तौर पर एक जो टीम इस बार तैयार हो रही है, हम देख रहे हैं कि यंग ब्रिगेड भी यहां पर मोदी की नई टीम में, यंग ब्रिगेड की भी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से आप पिछले मंत्रिमंडलों को भी देखें तो उसमें एक सामंजस्य बैठाया गया था, उसमें युवा भी थे, उसमें अनुभवी थे, उनमें वरिष्ठ लोग भी थे, तो एक पूरा एक कॉम्पैक्ट अगर पैक कहें तो वो पूरा मंत्रिमंडल बनाया गया था। इस बार भी आप देखें तो जहां एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ अगर गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, उनके साथ अलग मनोहर लाल खट्टर की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तो ऐसे अनुभवी चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो वहीं उनके साथ साथ जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, उनके साथ साथ बीएल वर्मा, उनके अलावा जो है जितिन प्रसाद, ये कई सारे युवा चेहरों पर भी सरकार का लगातार जोर है, मोदी का लगातार जोर है। वो चाहते हैं कि युवा की सिखा के उनको आगे जो है उनके अनुभव को आगे इस्तेमाल किया जाना है, उनके एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को तैयार करना है। वहीं जो युवा चेहरे हैं वो अनुभवियों के साथ सीखे भी, उनके अनुभव से सीखें किस तरह से अब तक जो अनुभवी लोग हैं उन्होंने काम किया है, किस तरह से अपने अपने विभागों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है अब तक विकास के कामों में। तो युवा जो है वो आगे बढ़ें और अपने अनुभव के अनुभवी जो वरिष्ठ जो सहयोगी हैं उनसे सीखें, उनके साथ मिलकर काम किया करें। तो युवा और अनुभवी दोनों के साथ ही सामंजस्य बनाकर इस मोदी सरकार के तीसरे जो मंत्रिमंडल कामकाज का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें भी तैयार की जा रही है लिस्ट। तो क्या माना जाए पवन, कितनी देर में, क्योंकि जाहिर तौर पर चाय पर चर्चा 12 बजे शुरू हो जाएगी, उसके बाद शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण है, कब तक फाइनली ये लिस्ट सामने आ जाएगी कि इतने मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज शपथ लेने जा रहे हैं? देखिए, एक मोटी मोटी जो लिस्ट है वो तो दर्शकों के सामने लगातार आई गई है। जो जो नेता जो है प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं वो सब सबका लगभग मंत्रिमंडल में मंत्री बनना तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री उन्हीं लोगों को आमंत्रित करते हैं जो मंत्रिमंडल में स्थान पा रहे होते हैं। हालांकि उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, वो कैबिनेट में रहेंगे या एमओएस इंडिपेंडेंट रहेंगे या राज्य मंत्री सिर्फ उनको बनाया जाएगा, वो तो वो लिस्ट जो है शपथ ग्रहण समारोह के जब समारोह होता है तो उसी में अब सामने आती है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि मोटी मोटा एक चेहरे जो है कौन कौन शामिल होगा वो प्रधानमंत्री आवास पर जब बैठक खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में ही स्थिति जो है एकदम स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन बड़ी संख्या में आज के शपथ ग्रहण समारोह में वीवीआईपीओ के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में आज का जो शपथ ग्रहण समारोह होना है वो जाहिर तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी एक बड़ा मैसेज देने वाला होगा। देखिए, जाहिर तौर पर अगर टोटल अतिथियों की बात करें तो तकरीबन 8,000 से ज्यादा गेस्ट जो हैं आज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उसमें कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, चाहे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बात करें, नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करें, भूटान के प्रधानमंत्री की बात करें, मालदीव के राष्ट्रपति की बात करें, सीशेल्स के राष्ट्राध्यक्ष की बात करें, श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें, तो ऐसे तमाम जो देशों के तकरीबन 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पहुंचे हुए हैं दिल्ली और वो शाम को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आज की अगर पड़ोसी देशों की अगर देखें तो सागर जो है वो थीम रखी गई है, यानी कि जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं और कहीं ना कहीं उनकी सीमा जो है वो समुद्री तट से टच होती है, तो ऐसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शामिल होने के लिए यहां दिल्ली बुलाया गया है। उसके अलावा खेल और जो मनोरंजन जगत से तमाम जुड़ी हुई हस्तियां हैं उनको शामिल होने के लिए बुलाया गया है। उनके साथ साथ जो पद्म पुरस्कार विजेता है उनको शामिल होने के लिए बुलाया गया है। उत्तराखंड में जो सिलकेरा टनल हादसा हुआ था उसमें रेड माइनर्स ने बहुत बड़ी भूमिका थी रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनको बुलाया गया है। बहुत सारे जो श्रमजीवी हैं चाहे वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनको यहां बुलाया गया है। तो तकरीबन ऐसे 7,000 से 8,000 लोग जो हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एक बहुत बड़ा भव्य समारोह होगा, बहुत सारे देशों के निगाह जो है वो भारत में आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर होगी, क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। तो अब